प्रदेश के धार जिले के गंधवानी थाने के निलंबित थाना प्रभारी नरेश कुमार सूर्यवंशी को अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें मनावर न्यायालय पेश किया गया, वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि युवती की शिकायत पर गंधवानी पुलिस ने कल नरेश कुमार सूर्यवंशी पर दुष्कर्म और अपहरण की अलग अलग धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था, जिसके बाद निलंबित दुष्कर्म और अपहरण के फरार आरोपी नरेश कुमार सूर्यवंशी को तलाश करने के लिए टीम लगाई गई थी। टीम ने इंदौर से उसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवती ने गंधवानी थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि थाना प्रभारी नरेश कुमार सूर्यवंशी ने 4 दिनों तक अपने सरकारी निवास पर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी सस्पेंड टीआई नरेश कुमार सूर्यवंशी को मनावर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जो युवती है उसने कंप्लेंट की थी कि उसे तीन चार दिन बंधक बना के रखा गया और साथ में उसके अलावा उसके साथ गलत काम किए गए। इस प्रकरण की विवेचना में पुलिस ने 376, 343, 506 का मुकदमा कायम कर लिया है और उसमें जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।